एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच लड़ा जाने वाला यह 2024 का इलेक्शन अपने आप में अजूबा है। जहां एनडीए अपने मुद्दों पर यह चुनाव लड़ रहा है, एनडीए जहां एक भारत की बात करता है, वहीं इंडिया अलायंस जो कि बहुत अलग अलग पार्टियों का एक अमलगम है, एनडीए जो कि एक अखंड भारत की बात करता है, वहीं इंडिया अलायंस टुकड़े टुकड़े भारत की बात करता है। आज पूरे एनडीए नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है, परंतु यदि आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इनके कई शीर्ष नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब अरविंद केजरीवाल। तो आप इसमें एक बात देखे होंगे, इलेक्शन के पहले 3 फेज में जहां शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के अंदर काम कर रही थी और वही पूरे भारत में इंडिया अलायंस को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने देश के सामने अपनी गारंटी रखी। परंतु अगले ही फेज में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उनके बाहर आते ही हवा का रुख बदल गया। अब तमाम मीडिया जो कि राहुल गांधी को पहले सामने रखकर इंडिया अलायंस का प्रचार करता था, अब अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गया। अब इंडिया अलायंस दो अलग अलग गुट में बंट चुकी है, एक गुट जो कि राहुल गांधी की गारंटी की बात करते हैं तो दूसरा गुट अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहां पीछे हटने वाले, उन्होंने जेल से बाहर आते ही 10 गारंटी देश को दी है और साथ ही साथ कहा है कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी भी उसका भागीदार होगा और भागीदार होने के नाते वो 10 पॉइंट्स का जो डिस्कशन करते हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उनका एक पॉइंट है कि दिल्ली को एक नए राज्य के रूप में मान्यता दिलाएंगे। जहां तक हमारी समझ है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती होगी। वो कभी भी संघर्ष नहीं करेंगे कि दिल्ली को एक स्टेटहुड, दिल्ली को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाए, जबकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह इसे अपने एक मैनिफेस्टो में शामिल किए। अरविंद केजरीवाल के बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि वो खालिस्तानी मुद्दों का समर्थन करते हैं और पंजाब को भारत से अलग करने की बात करते हैं। साउथ इंडिया में स्टालिन भी सनातनी भारत का विरोध करते हैं, ममता बनर्जी भी CAA का लगातार विरोध करती चली आ रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंडिया अलायंस के जो पार्टी हैं वो टुकड़े टुकड़े भारत की बात करती है, जबकि एनडीए पीओके को भारत में मिलाने की बात करती है, आर्टिकल 370 को हटा चुकी है, राम मंदिर की बात करती है, तो देश की बात करती है, देश की अखंडता की बात करती है, जहां तक यूएन में है परमानेंट मेंबरशिप की बात करती है। तो अब ये आपको सोचना है कि आप एनडीए की तरफ से हैं या फिर इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से हैं। धन्यवाद।